सिविल लाइन स्थित सेंट जोसेफ स्कूल के प्रांगण में ईसाई समुदाय द्वारा 15 अप्रैल को गुड फ्राइडे मनाया गया एवं क्रूज यात्रा निकालकर विशेष प्रार्थना की गई, जिसके संबंध में सेंट जोसेफ स्कूल के फादर बेनी ने बताया कि गुड फ्राइडे ईसाई समुदाय का प्रमुख पर्व है। ईसाई धर्म के लोग इस दिन को काले दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी दिन भगवान यीशु मसीह ने अपने प्राण त्यागे थे, इसी कारण ईसाई धर्म के लोग गुड फ्राइडे के दिन प्रभु यीशु के बलिदान को याद करते हैं। इसी दिन को होली फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे या ग्रेट फ्राइडे भी कहा जाता है। उन्होंने बताया कि इसी दिन ईसाई धर्म के लोग यीशु मसीह के क्रूस को याद करते हैं। गुड फ्राइडे के अवसर पर लोग गिरजाघरों में जाकर प्रार्थना करते हैं और प्रभु यीशु की याद में कई लोग उपवास भी करते हैं। उन्होंने बताया कि गुड फ्राइडे के दिन क्रूस पर चढ़ाए जाने के बाद तीसरे दिन यीशु मसीह पुनः जीवित हो गए थे। इसी की खुशी में ईस्टर संडे मनाने की परंपरा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सेंट जोसेफ स्कूल के फादर बेनी ने कहा, महान कितना महान यीशु मसीह का, इतना महान पापी ने खातिर जगत में आया, तब आया भूल न जाए हम ये बलिदान। प्रार्थना। हे प्रभु यीशु हमारे मुक्ति दादा और आदर्श, हम आज आपके चरणों पर विनम्र होकर खड़े हैं। हम आपके दुख भोग पर मनन चिंतन करना चाहते हैं, ताकि आपके कष्टों तथा संकटों की चाप हमारे मन पर पड़े और उसके अनुसार हम अपने जीवन में आचरण भी करें। हम बड़े कृपा करें कि आंसुओं और राहों की इन राहों से गुजरते समय हमारे हृदयों में पाप के प्रति घृणा और पश्चाताप के भाव उत्पन्न हो। क्षमा याचना। हे परम दयालु ईश्वर, हम हृदय से दुखी है कि हमने तेरी असीम भलाई के विरुद्ध पाप किया है। तू हमारे संपूर्ण प्रेम के योग्य है, क्योंकि तू हमें संपूर्ण हृदय से प्रेम करता है। केवल पाप तेरे प्रेम के उस समय विश्वास ने उन्हें चुंबन से पकड़वा दिया। भीड़ उन्हें कैफस बाद में अन्नस लातुस भी यहूदियों की धमकियों से डरकर प्रभु यीशु को उनके हवाले कर देता है। प्रभु यीशु को दंड मिला। हे प्रभु मुझे वर दे कि मैं तुझसे हो जाऊं, बल्कि तुझको सदा प्यार करता रहूं। हे प्रभु हम वर दिया। दूसरा स्थान, यीशु के कंधे पर भारी क्रूस लादा जाता है। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं। पिलातुस से राजा प्रणाम। वे उन पर थूकते थे, उन्हें थप्पड़ मारते थे और उनके हाथ से सरकंडा छीन कर उनके सिर पर मारते थे। इस तरह यीशु का उपहास करने के बाद उन दुष्ट सैनिकों ने उनके कंधे पर लकड़ी का एक अत्यंत भारी क्रूस लाद दिया और उनको उस पर चढ़ाने के लिए कोड़े मारते, धकेलते तथा घसीटते हुए कलवारी की ओर ले चले। अन्याय, अत्याचार व कष्ट सहना पड़ा। अपने जीवन में मुझे जो कष्ट व दुख सहने पड़ेंगे उन्हें मैं सहर्ष स्वीकार करूंगा। मैं दीनता पूर्वक तुझसे विनती करता हूँ कि उस दुख के पुण्य फल का
Adore you, Christ, and we bless you. Because by your holy cross you have redeemed the world. And in the scourging, carrying the cross in these circumstances, it has been far too difficult. He struggles forward, stumbles and falls. Along life's journey, we too have our faults, and we ask the Lord to see us through. Let us pray. Lord, we are weak, but you are strong. We are fickle, but you are steadfast. We are so confused, but you are wisdom itself. Grant us the grace to be always faithful in following you every day of our life. चौथा स्थान प्रभु यीशु और उनकी माँ की भेंट। लागत रही होगी वह बेटे की यह दशा देखकर माता के हृदय पर क्या बीती होगी। दर्द की तलवार माता के दिल में चुभ गई होगी और प्रेम मूर्ति बेटे के हृदय में अपनी माँ की पीड़ा देखकर कैसी करुणा जाग गई होगी। हम प्रार्थना करें के अति मधुर यीशु, आपने उस बड़े दुख के द्वारा जिसे तुझको इस क्रूस यात्रा के दौरान अपनी माँ से मुलाकात कर उठाना पड़ा, मेरे हृदय में तेरे माँ के प्रति सच्ची भक्ति भर दे। और तू समस्त जगत की माता जो दुष्काल में डूबी थी, मुझे ये कृपा दिला कि मैं सदा तेरे पुत्र यीशु के पुण्य दुखों की याद कर आने वाले महासंकट तथा दुर्भाग्य से बच जाओ। हे प्रभु हम पर दया कर, मृत विश्वासियों की आत्माएं। इसलिए बने सिरीन निवासी सीमोन नामक एक व्यक्ति को जो खेत से घर लौट रहा था, बलपूर्वक पकड़कर यीशु का क्रूस ढोने का उनके दुर्व्यवहार और दूसरी ओर से भीड़ की उपहासपूर्ण ध्वनियां तथा दोपहर की चिलचिला, अमीर हो या गरीब, धर्मी हो या पापी, वह सबको समान दृष्टि से देखते और प्यार करते थे। वह सबकी भलाई चाहते थे। इसलिए गलवाले की रात पर जब यरूशलेम की स्त्रियों ने यीशु को नहीं उठान देखा, उन्हें संदेह हमारे दुखों को दूर करने, हमारे आंसुओं को पोछने का, अपने राहों की सुरक्षा में लेने को सुधा तैयार है। पर सुनते यह पाप का और शाप का प्रतीक भी था। रोमी साम्राज्य काल में केवल अपशब्द व्यक्ति को ही क्रूस पर दोषी ठहराया गया। उनको क्रूस पर मौत की सजा सुनाई गई और किसी ने उनका पक्ष नहीं लिया, किसी ने उनके बचाव के लिए लगभग 3 घंटों तक यीशु अपने हाथ पसारे क्रूस पर लटके रहे। उनके पावन शरीर की ऐसी दशा देखकर किसी को उन पर दया नहीं आई। उनके शत्रु तथा विरोधी उनकी निंदा करते और सिर हिलाते हुए कहते थे, आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ, और एक कर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। अपने शिष्यों के साथ वहां गए थे, इसलिए ये उधर
वहां उनका विश्वास खाती यूदास भी बढ़े। यीशु ने उनसे फिर पूछा, किसे ढूंढते हो? वे तुम मुझे ढूंढते हो, तुझे जाने दो। यह इसलिए हुआ कि उनके यह कथन पूरा हो चुके कर लो, जो प्यारा पिता ने मुझे दिया है क्या मैं उसे नहीं पीऊं। तब पलटन कप्तान और यहूदियों फादर बेनी पल्ली पुरोहित सेंट जोसेफ्स कैथीड्रल गोरखपुर। आज गुड फ्राइडे या पुण्य शुक्रवार हम कहते हैं। आज के दिन हम लोग प्रभु ईसा मसीह के मृत्यु के ऊपर मनन चिंतन करते हैं, जो 2000 साल पहले मानव जाति के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए, एक उदात्त उदाहरण प्रस्तुत करते हुए उन्होंने मानव जाति के प्रेम के प्रति उनकी मुक्ति के लिए अपने आप को क्रूस में मृत्यु के हवाले कर दिए। और हम लोग दो दिन बाद इनके पुनरुत्थान के पर्व मनाएंगे, जहां पर हम लोग विश्वास करते हैं वो प्रभु क्रूस पर मृत्यु के बाद दफनाए गए और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे और आज भी वो जीवित है। और आज के इस पुण्य शुक्रवार के दिन हम लोग उनके जो क्रूस रास्ते पे जो भी घटनाएं हुई है उन सबों उन्हें 14 भागों में बांटा गया है। उन 14 भागों में हम लोग मनन चिंतन करते हैं, उसके ऊपर विचार करते हैं, प्रार्थना करते हैं और चर्च में आकर विशेष पवित्र बाइबल से पाठ पढ़कर उस पर मनन चिंतन करते हैं। और उसके बाद जितने भी लोग चर्च में उपस्थित रहते हैं, सभी लोग जिस क्रूस पर प्रभु यीशु का मृत्यु हुई थी उस क्रूस की उपासना करते हैं। उसके साथ आज के ये पूजन विधि समाप्त होता है और हम लोग उनके पुनरुत्थान पर्व के लिए इंतजार करते हैं।